हेलो एवरीवन, और लीनियर अलजेब्रा के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कि किस तरीके से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का। तो मैट्रिक्स के बारे में हम सबको पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लीकेशन, तो मैट्रिक्स से हम फ्रेंडली हैं, हमें सब पता है मैट्रिक्स के बारे में। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिनमें से एक है कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कि किसी वेक्टर का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो हमने सपोज किया कि बी कोई बेसिस है, लेट बी बराबर, ये आपको बेसिस हमने दे दिया वी वन वी टू वी एन, इसमें एन एलिमेंट्स हैं। बी एनी बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी, कि v हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे सेक्शन में जो हम ये सेक्शन में डील करने वाले हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस पूरे सेक्शन में हम जो अपना फील्ड है उसको R रखेंगे, रियल नंबर स्पेस। देन फॉर एनी वेक्टर v बिलोंग्स टू v, कि तो हमें पता है कि भाई v का प्रत्येक वेक्टर, कोई भी वेक्टर, इस बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हम अपने लेक्चर 3 से ही हमें ये बात पता चल गई थी जब हमने बेसिस एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या कहा कि भाई वी कोई बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस वी का ओवर द फील्ड आर। तो वी को हम इस तरीके से ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए एन वी एन, यानी कि इस कैपिटल बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो स्केलर्स है ए वन ए टू ए एन, ये सभी किसके मेंबर होंगे, फील्ड के मेंबर होंगे। तो जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा वी, अब ध्यान से सुनेगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर डिपेंड करेगा बेसिस पर। प्रत्येक वेक्टर का जो आप कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट वो बनाओगे रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाओगे, वो कहां पे डिपेंड करेगा, बेसिस पे। क्योंकि अगर आप बेसिस चेंज कर दो, अब जरूरी तो नहीं है कि भाई कोई अगर एक ही आपका कोई वेक्टर स्पेस है तो उसका एक ही बेसिस हो, एक से ज्यादा बेसिस होते हैं, और एक से ज्यादा बेसिस होने का मतलब क्या है कि यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, तो उस हिसाब से स्केलर्स भी चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आप बनाते हो, जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन आप करते हो इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वो डिपेंड करेगा बेसिस बी पे। तो जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है वी का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, इस बी बेसिस के रिस्पेक्ट में, वो कुछ नहीं होगा, वो एक कॉलम वेक्टर होगा इन आर एन, आर एन स्पेस में कॉलम वेक्टर होगा जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वी। अब ये देखिए, वी को हमने मैट्रिक्स सिंबल में बंद करा और यहां लिख दिया कैपिटल बी, यानी कि ये जो v वेक्टर का रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी आपके ये स्केलर्स थे a1 a2 an, इन सबको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है, n क्रॉस 1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसे फाइंड करना है। अब सपोज कर लिया हमने कि भाई जो वेक्टर v है हमारा वो है, कोई अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 579, ये v वेक्टर है, और जो बेसिस है उसमें दो वेक्टर हैं v1 और v2, जिसमें v1 वेक्टर है आपका, हम मान लेते हैं 111, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, और v2 वेक्टर हम मान लेते हैं 123, इस तरीके से कि भाई ये जिस वेक्टर स्पेस v में बिलोंग कर रहा है ये उसका बेसिस है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, यहां पे कि v बराबर a, इसको मान लेते हैं v1 1 1 1 प्लस b 1 2 3, ये v2, तो v कितना है आपका 579 इज इक्वल्स टू, अब इसको हमें सॉल्व करना आता है, a के इनटू इससे b के इनटू इससे, और दोनों का पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा a प्लस b, इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होने के बाद, और इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट यहां पे आ गया। अब अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस b बराबर है 5 के, और a प्लस 2b सेकंड एलिमेंट के इक्वल यानी कि 7 के, और a प्लस 3b यानी कि थर्ड एलिमेंट के इक्वल यानी कि इक्वल टू 9। तो इन तीनों को सॉल्व करके आप इजिली वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो हमारी a की वैल्यू है वो आ जाएगी 3, और जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 2। इसलिए आप सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन उठा लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए, तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 2।
टू। तो अब इसको v आपका है, इसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बना विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b वो क्या बना, कॉलम वेक्टर ab यानी कि 3 इस तरह। सिंपल सी चीज है, बड़ी चीज नहीं है कोई। अब इसका यूज करना है हमें आगे इसी चीज का कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस लिए किस तरीके से किया जाए, तो आज हम वही देखेंगे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कवर कर सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट वेक्टर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में कैसे बनाया जाएगा। तो यहां हमने क्या करा, दो वेक्टर स्पेस माने हैं यू और वी, ये यू और वी आपके दो वेक्टर स्पेसेस हैं और उनकी रिस्पेक्ट में दो बेसिस हमने ले लिए कि b जो है u1 u2 un और b डैश u1 v2 v1 v2 vn, ये आपके कोई भी दो बेसिस है वेक्टर स्पेसेस u और v ओवर r के। क्या माने हमने, लेट b बराबर दिस एंड b डैश बराबर दिस बी एनी टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेसेस कैपिटल u एंड कैपिटल v ओवर r। ध्यान रखना फील्ड क्या लेनी है, रियल नंबर फील्ड रिस्पेक्टिवली, एंड T be a linear transformation from U to V, और T जो है वो U से V तक कोई एक linear transformation है इस तरीके से कि TU बराबर है V के, जहां पर U किसका element है domain का और V किसका element है codomain का। अब अगर हम ध्यान से देखें कि since B dash is a basis of capital V, यानी कि B dash जो है वो codomain का basis है, then By the definition of basis, there exist, तो यहां पे कुछ BIs belong करेंगे फील्ड में जहां पर आपका I क्या है 1, 2, 3 up to n, कहां belong करेंगे इस फील्ड R में, कि हम इस V को, ये V किसका एलिमेंट है कोडोमेन का, तो इस v को इस b डैश के एलिमेंट्स के इन स्केलर्स की हेल्प से एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि v बराबर जैसे आपका b1 v1 प्लस b2 v2 इस तरीके से प्लस bm vm। ठीक, हमने कोई अलग चीज तो करी नहीं भाई, ये v किसका एलिमेंट है कोडोमेन का, b डैश क्या है कोडोमेन का बेसिस, तो हमने बेसिस की डेफिनेशन यूज करके लीनियर कॉम्बिनेशन बना के यहां लिख दिया इसको सिंपल। अब क्या करना है भाई, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब TU किसके इक्वल हो गया B1 V1 के प्लस B2 V2 अप टू BM VM, भाई इस लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो गया। देन द कोऑर्डिनेट वेक्टर वेक्टर ऑफ वी नहीं डोमेन का एलिमेंट है यू, प्रीमेज लेनी आपको यू विद रिस्पेक्ट टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, विद रिस्पेक्ट टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड बेसिस बी डैश, बेसिस आपको इसकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो आपको स्केलर्स मिले हैं वो इस बेसिस के हिसाब से मिले हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड बेसिस बी इज, तो उसको देखेंगे किस तरीके से डिनोट करेंगे। बहुत सिंपल सा काम करना है आपको, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भाई किसका है जो यहां पे प्रीमेज है उसका यू। अब पहले केस में क्या था, केवल बेसिस की रिस्पेक्ट थी, लेकिन यहां पर बेसिस एज वेल एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, तो नीचे लिखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी और ऊपर लिखेंगे बेसिस बी डैश, और आपको कुछ नहीं करना कि भाई ये जो आपकी इमेज आई है ये इसके कोफिशिएंट उठा देना है स्केलर्स b1 b2 b3 अप टू bm, तो ये क्या हो गया भाई एक वेक्टर कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, कि भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t का कोऑर्डिनेट वेक्टर ये हमने यहां पे बना। सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, उसी डेफिनेशन का थोड़ा हमने थोड़ा मॉडिफाइड करके यूज करा है, मॉडिफाई करके यूज करा है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है ये इसका है जो आपकी यहां पर इमेज है, ये सॉरी प्री इमेज है इसका। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी,
इसकी आपके कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की। अब देखिए जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि जिसमें कहा है कि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर थ्री टू आर टू, यानी कि आर थ्री से आर टू तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको इस तरीके से डिफाइन करा है कि भाई आर थ्री है तो इसका मतलब यहाँ पे तीन टपल का एलिमेंट होगा जैसे कि है एक्स वाई जेड और आर टू, यानी कि कोडोमेन में टू टपल का एलिमेंट होगा यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। तो हमने इस तरीके से डिफाइन करा है कि टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड, जहां पर बी 1, माइनस वन एंड 1, ये बेसिस है आर स्क्वायर कोडोमेन का। तो जैसे कि हमने अभी उसमें देखा था कोऑर्डिनेट वेक्टर जो हमने निकाला था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का, उसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि भाई सारा डिपेंडेंस किस पे है, कोडोमेन के बेसिस पे। तो इस वजह से डोमेन का बेसिस हमने लिया नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है एक वेक्टर वी 1, 1, 1 का, यानी कि ये वी जो आपका डोमेन का एक एलिमेंट है इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें डेफिनेशन दी है उसका यूज करते हैं कि सिंस टी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस जेड। तो अब इस डेफिनेशन का यूज करके हम इस वी की इमेज फाइंड करते हैं क्योंकि इमेज से ही तो हमें वो मिलेगा जो उसके स्केलर आएंगे। 1, 1, 1 इज इक्वल्स टू, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 एक्स प्लस वाई फिर वाई प्लस जेड यानी कि अगेन 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया आपका 2, 2। अब इसको हम इन बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे ए 1, -1 एंड प्लस बी 1, 1 लाइक दिस। नाउ तो ये हो गया ए कॉमा माइनस ए एंड प्लस बी कॉमा बी यानी कि ए प्लस बी एंड माइनस ए प्लस बी। अब ये इक्वल किसके है 2, 2 के, क्योंकि ये इमेज किसकी है आपकी 1, 1, 1 की टी इमेज। तो कुछ नहीं करा हमने, जनरल जो हमारे पास फंडा है उसी का यूज करा हमने कि भाई पहले जिस वेक्टर का हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करना है उसकी पहले इमेज निकाली, अब उस इमेज को कोडोमेन के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख के स्केलर्स हमें फाइंड करना है। अब इनको अगर कंपेयर कर दिया जाए तो इसका मतलब ए प्लस बी बराबर है 2k और माइनस ए प्लस बी बराबर है ये भी 2k। अब इसको हम सॉल्व करके इजिली यहां पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसकी। तो वैल्यू क्या जाएगी भाई, हमारा ए हो गया 0 एंड बी हो गया 2। इसको सॉल्व करके आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर इस वेक्टर वी का जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बनेगा वी, ये वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड बेसिस बी, वो इक्वल हो जाएगा 0, 2 इस तरीके से। तो यह बन गया कोऑर्डिनेट वैक्टर ऑफ दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड बेसिस बी। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि क्या था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तक हमने जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स बनाने सीखे हैं उनका यूज यहां पर होगा। तो अब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने मान लिया कि यूएफ और वीएफ आपके कोई दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इस तरीके से कि वी की जो डायमेंशन है वो स्मॉल एन है और जो u की डायमेंशन है वो स्मॉल m है और t कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v इंटू यू, यानी कि v से u पर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने बनाया है वो है t फ्रॉम v टू u। अब जाहिर सी बात है अगर v की डायमेंशन स्मॉल n है तो जो v के बेसिस होगा उसमें n एलिमेंट्स होंगे, बेसिस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n डायमेंशन की डेफिनेशंस में। और अगर डायमेंशन ऑफ यू एम है तो यू के बेसिस में एम एलिमेंट्स होंगे बीटा वन बीटा टू बीटा एम। तो ये हमने दो बेसिस मान लिए, बी बेसिस मान लिया वी का और बी वन जिसमें एम एलिमेंट्स है वो बेसिस मान लिया यू का। नाउ तो अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है कि भाई ये बी का जो ये जो स्मॉल वी का बेसिस है बी, इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमें देखनी है, उसी से मैट्रिक्स बनेगी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की। नाउ
ईच ऑफ, अब ध्यान से देखिएगा, ईच ऑफ वेक्टर्स अल्फा आई, किसके वेक्टर है, वी के, यानी कि डोमेन के, ईच ऑफ वेक्टर अल्फा आई या अल्फा आई के वेक्टर, इसकी टी इमेज देखनी है हमें, ईच ऑफ वेक्टर टी अल्फा आई, इस तरीके से, क्योंकि हमें इसकी टी इमेज देखनी है इस अल्फा आई की, ईच ऑफ वेक्टर अल्फा आई इज रिप्रेजेंट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी डैश, यानी कि भाई जो टी, जो आप इसके एलिमेंट्स की टी इमेज बनाओगे उसको आप बी डैश के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि भाई जो टी अल्फा आई है ये कहां बिलोंग करेगा, कोडोमेन में, क्योंकि भाई ये सारे एलिमेंट डोमेन के, तो डोमेन की टी इमेज कहां जाती है, कोडोमेन में, और यू का बेसिस कौन है, बी डैश. तो अब इसी तरीके से जो टी अल्फा वन है उसके वेक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, हमने मान लिया कि भाई उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा ए वन वन बीटा वन प्लस ए टू वन बीटा टू और इसी तरीके से ए, अब कितने एलिमेंट्स है, एम, तो ए एम वन बीटा. अब देखिए इसको मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, मैंने इसे वन वन लिखा फिर टू वन लिखा, मैंने वन टू नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि अगर इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाया जाए तो क्या बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर अगर बनाया जाए तो बनेगा ये ए वन वन ए टू वन और इस तरीके से ए थ्री वन और इस तरीके से लास्ट में ए एम वन, जो कि सही फॉर्म है. अगर मैं यहां नाम देता ए वन टू ए वन एम तो फॉर्म गड़बड़ हो जाती उसकी, कोऑर्डिनेट वेक्टर की. तो मुझे कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाना था इसका, तो वो कॉलम बनता, तो इस वजह से मैंने इसको इस फॉर्म में दिया. अगर इसको कॉलम में अरेंज किया जाए तो मैथमेटिकली सही लगे. इसी तरीके से अल्फा टू की भी कुछ इमेज बनेगी यहां पे, तो हम मान लेते हैं कि भाई जो इसका वो आएगा ए वन टू बीटा वन प्लस ए टू टू बीटा टू, इसी तरीके से ए एम टू बीटा एम, ए एम टू बीटा एम. तो इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यू करें, अब देखिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था ना कोऑर्डिनेट वेक्टर का हेल्प लेना है, तो पहले मैं आपको एक आइडिया देते चलूं कि ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या है, कि मैं क्यों इस तरीके से आपके ये कोफिशिएंट्स ले रहा हूं, कि यहां जो प्रत्येक वेक्टर है जैसे अल्फा वन है तो इसकी जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स का पहला कॉलम बनेगा, तो उस फॉर्म में मैंने ले लिया. जो अल्फा टू ये सेकंड वेक्टर है तो इसकी जो कॉलम वेक्टर आएगा वो हमारी जो मेन मैट्रिक्स होगी उसका दूसरा कॉलम बनेगा, इस तरीके से अल्फा थ्री का तीसरा कॉलम और इस तरीके से अल्फा एन का nth कॉलम बनेगा. तो इस वजह से मैं इनके जो वेक्टर्स हैं, जो स्केलर्स हैं ये, उनको इस तरीके से चूज कर रहा हूं ताकि वो कॉलम बनाते समय दिक्कत ना हो हमें, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे. तो इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यू करते चले nth स्टेप तक, तो टी अल्फा एन क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका ए वन एन बीटा वन प्लस ए टू एन बीटा टू और इसी तरीके से ए एम एन बीटा एन. ठीक, तो इसको ध्यान रखने के लिए मैं आपको जनरलाइज फॉर्म बता देता हूं कि मैंने किस तरीके से इसका यूज करा है. मैंने यहां यूज करा है टी अल्फा जे इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देखिएगा, ए वन जे बीटा वन प्लस ए टू जे बीटा टू और इसी तरीके से ए एम जे बीटा एम. अब आप जे को अपने हिसाब से, जितने आपके पास वेक्टर्स हैं उस हिसाब से चेंज करते रहिए. आप अगर वन रखेंगे तो ये आ जाएगा, टू रखेंगे ये आ जाएगा, थ्री रखेंगे वो आ जाएगा, और एन रखेंगे तो ये आ जाएगा. तो ये जनरलाइज फॉर्म है, इसी फॉर्म में आपको इस हर उसको लिखना है, स्केलर्स को. तो अब आप क्या कीजिए, यहां पर जो स्केलर्स आपने यूज करे हैं जिसका ये jth कॉलम आपका बनेगा, तो जो यहां पे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा वो क्या होगा, कि द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सो द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी.
अब यहां ध्यान से देखिएगा, अब ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो पहले हमने देखा था कोऑर्डिनेट वेक्टर, वो किसी एलिमेंट का था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ये पूरे के पूरे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो यहां रिस्पेक्ट किसकी होगी? दोनों बेसिस की, बी और बी डैश दोनों ही, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, यानी कि डोमेन का बेसिस एंड बी डैश कोडोमेन का बेसिस इज। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, टी यानी कि जिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये मैट्रिक्स है, कोलन बी डोमेन का बेसिस कॉमा बी डैश कोडोमेन का बेसिस इक्वल्स टू। अब मैट्रिक्स आप किस तरीके से फॉर्म करेंगे, बहुत सिंपल सा काम आपको करना है भैया, जो पहला वेक्टर है इससे बन गया आपका पहला कॉलम ए वन वन ए टू वन ए आपका ए थ्री वन और इसी तरीके से ए एम वन। अब जो सेकंड है इससे बनेगा आपका दूसरा कॉलम ए वन टू ए टू टू ए थ्री टू इसी तरीके से ए एम टू, और ये आपका पूरा प्रोसेस कब तक फॉलो होगा? ये प्रोसेस फॉलो होगा एन तक, क्योंकि हमारे पास टोटल एन वेक्टर्स हैं द बेसिस ऑफ डोमेन। तो ये क्या बन जाएगा ए वन एन ए टू एन ए थ्री एन एंड लास्ट में ए एन, यानी कि ये बन गया आपका ए आई जे एम क्रॉस एन। तो इसको भी हम इस तरीके से यहां पे अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल। इसको अगर देखें अगर सिग्मा ए आई जे और आई आपका कहां मिल जाएगा वन टू एन बीटा बीटा जे जे इस तरीके से। तो ये हो गया आपका वन टू एम और जे आपका जाएगा हाँ जे आपका ये बीटा आई होगा और जे आपका जाएगा वन टू आई आपका वन टू एन चला हाँ जे आपका जाएगा वन टू एन और आई आपका जाएगा वन टू एम। ये आपको ध्यान रखना है वन टू एम आई, क्योंकि इसकी वैल्यू एम तक जाएगी मैक्सिमम, आगे वाले को हमने आई माना है तो मैक्सिमम एम तक जा सकता है ये देखिए हर बार, और जे एन तक जा सकता है मैक्सिमम, यहां आप देख सकते हैं। तो ये आपका ये जो मैट्रिक्स बना टी, ये है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी एंड बी डैश, इन दोनों ही बेसिस बी और बी डैश की फॉर्म में। सिंपल सी चीज थी, कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने कुछ नहीं करा, हमने डोमेन के बेसिस के प्रत्येक एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिखा, कोडोमेन के टी इमेज का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिखा बी डैश की फॉर्म में, जैसे कि आपको दिख रहा है, और बस इनके एलिमेंट्स को जो इसके स्केलर्स आए थे उनका कॉलम बना के यहां मैट्रिक्स प्रिपेयर कर दिया। तो मैट्रिक्स प्रिपेयर करने का जो मेथड है ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से मैट्रिक्स प्रिपेयर की जाएगी। तो ये देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखते हैं इसकी कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहां पे फॉर्म किया है। अब प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमने एक बेसिस जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था वो वी से यू पे था, जहां पर V का बेसिस था B जिसमें N एलिमेंट्स थे, यानी कि डायमेंशन ऑफ डोमेन जो था हमारा वो था M, और जो B डैश था वो U का बेसिस था जिसमें M एलिमेंट्स थे, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ U यानी कि कोडोमेन का वो था M। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनी थी इस फॉर्म में बनी थी, यानी कि M क्रॉस N, तो ये ए आई जे एम क्रॉस N, ये हमने मैट्रिक्स अपनी बनाई थी। तो कई बार एमसीक्यू आता है तो उसमें डायरेक्ट वो आपको बता देगा कि भाई वी का डायमेंशन ये है, यू का डायमेंशन ये है, तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो ऑर्डर निकलेगा इस मैट्रिक्स टी का जो कि विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी डैश, वो इक्वल हो जाएगा देखिए किसके, एम इन टू एन के, एम एन होता है ऑर्डर, तो वो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एम पहले है यानी कि डायमेंशन ऑफ कोडोमेन U multiply by dimension of domain V, इस तरीके से means आपको दोनों की dimensions की इनटू करवा देनी है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, तो जब भी आप linear transformation बनाएंगे तो उसमें codomain number dimension of codomain
कोडोमेन के डायमेंशन के इक्वल, तो उसमें आपको रोज मिलेंगी, और डोमेन की डायमेंशन के इक्वल आपको उसमें कॉलम मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखिए, ये इसकी एक सिंपल सी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां पे इसने कहा कि कोई टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ टू यू एफ, यानी कि टी जो है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी टू यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो v और u के दो बेसिस यहां पे एग्जिस्ट करेंगे, तो हमने मान लिया b जो है बेसिस है v का और b डैश जो है वो बेसिस है u का। इफ a इज मैट्रिक्स ऑफ t रिलेटिव टू b एंड b डैश, कहने का मतलब है कि a जो है वो मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट कर रही है एंड b डैश जो भी हमने पिछले उसमें डेफिनेशन देखी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है मैट्रिक्स a, तो v belongs to v, we have TB matrix with, अब ये क्या है इस चीज को समझना है, TV with matrix of TV with respect to b dash and A into matrix v with respect to basis b, ये क्या है। अब आपको यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। अब देखिए, T अगर U से V, आपको सॉरी V से U हमने बोला है, V से अगर U जा रहा है तो भाई अब जो TV, अब V किसका एलिमेंट है डोमेन का, तो इसका मतलब जो TV बनेगा वो किसका एलिमेंट होगा कोडोमेन का एलिमेंट होगा, वो इस तरीके से कोडोमेन का एलिमेंट है। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस। अब जो अब ये एलिमेंट, अब हमने इसे एज ए एलिमेंट लिया है ऑफ कोडोमेन, तो जब इसे एज ए कोडोमेन का एलिमेंट लिया जाएगा तो जो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा वो जो कोडोमेन का बेसिस है उसी के रिस्पेक्ट में बनेगा, और सेम यही काम यहां हो रहा है। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है इस v का, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर की डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी है तो उसके हिसाब से इसका जो बनेगा किस रिस्पेक्ट में बनेगा भाई डोमेन के बेसिस रिस्पेक्ट में बनेगा। सिंपल सी चीज है, समझ गए ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं आपके, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर हमेशा अपने स्पेस के ही बेसिस के रिस्पेक्ट में बनते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसको प्रूफ करने से पहले डायमेंशन हम मानते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये जो आपका v है इसकी डायमेंशन है n, n जो आपका एक कोडोमेन u है इसकी डायमेंशन है n, तो इसका मतलब जो b बेसिस है v का इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें n एलिमेंट्स होंगे, तो मान लेते हैं v1 v2 up to vn, और जो भाई b डैश है ये u का है बेसिस तो इसमें m एलिमेंट्स होंगे, तो हमने मान लिया इसमें u1 u2 और un, इस तरीके से हमने ये लेट कर लिया। तो अब जो मैट्रिक्स a बनेगी वो क्या बनेगी, मैट्रिक्स a जो है वो है ये t b2 b with respect related to b and b dash equals to, इसमें क्या होगा भाई किस टाइप के a ij टाइप के एलिमेंट होंगे, a ij टाइप के एलिमेंट m cross n, जहां पे i 1 to m वेरी करेगा और j 1 to n वेरी करेगा। अब यहां पर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं vj, कोई भी एक एलिमेंट हमने ले लिया तो उसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे भाई, vj हमने लिया है तो उसमें एलिमेंट होंगे आपके जैसे कि अभी हमने पहले माना था 1j u1 plus a 2j u2 up to mj un, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे अभी अभी हमने पढ़ा थे, तो वही चीज हम रिप्रेजेंटेशन जो है मैं नोटेशन जो है वही रख रहा हूं जो मैंने पहले लिए थे। तो प्रत्येक उसके लिए b1 लेंगे तो j की जगह 1 आ जाएगा, b2 v2 की इमेज देखेंगे तो j की जगह 2 आ जाएगा, v3 की इमेज लेंगे तो 3 आ जाएगा j की जगह, तो ये मुझे पता चल गया जो मेरी मैट्रिक्स a है वो इस टाइप की है। नाउ अब भाई अगर ये v स्मॉल v जिसकी यहां बात हो रही है वो v का एलिमेंट है, नाउ इफ स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल v देन, तो आप इस स्मॉल v को भाई इस बेसिस जो आपने माना है b इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहां पे
अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू अप टू अल्फा एन वी एन, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। तो अब इसकी मैट्रिक्स हम यहां फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो टी वी, अगर यहां पे वो लगा दिया जाए आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा टी, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, सिग्मा आई बराबर वन टू एन। तो नोटेशन जो है सेम रखते हैं, जे ही रखते हैं, क्योंकि जे ही है हमारा जो एन तक वैरी कर रहा है। जे बराबर वन टू एन, ये हो गया आपका अल्फा जे एंड वी जे, इस तरीके से। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिग्मा जे बराबर वन टू एन बाहर आ जाएगा और अल्फा जे भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा टी ऑफ वी जे। सिंपल सी चीज थी। अब इस टी ऑफ वी जे भाई ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये इसके इक्वल होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो यहां पर जब ये वैल्यू आप रख देंगे पूरी, तो ये क्या आ जाएगा यहां पे भाई, इसको हम रख देते हैं जे बराबर वन टू एन अल्फा जे, और टी जे को हम लिख देते हैं सिग्मा जे बराबर, सॉरी जे नहीं, आई, आई बराबर वन टू एम ए आई जे यू जे यू आई ए आई जे यू आई, क्योंकि आई एम तक वैरी कर रहा है। अब क्या कीजिए आप, सिग्मा जितने भी हैं सबको कॉमन, वो सिग्मा एक कर दीजिए, तो आई बराबर वन टू एम सिग्मा जे बराबर वन टू एन अल्फा जे ए आई जे यू आई, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया यहां पे। तो यहां पर एक चीज यहां पे आप देख सकते हैं कि अब अगर हम इसको ध्यान से देखें और यहां पर इसके मैट्रिक्स बनाएं T of V with respect to basis B dash, with respect to basis V dash, वो क्या बनेगी, वो आपकी एक मैट्रिक्स होगी जिसमें जिसका ऑर्डर होगा M cross N, जिस M cross 1, M cross 1 ऑर्डर की आपकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी वो, जिसमें एलिमेंट इस टाइप के होंगे J बराबर 1 to N अल्फा J ए आई जे यू आई यू आई यू आई, ये केवल कोफिशिएंट अल्फा जे ए आई जे, इस टाइप के आपके एलिमेंट्स होंगे और ये एक मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस वन, समझे किस तरीके से। देखिए अगर आप बेसिस बी डैश के रिस्पेक्ट में ले लो, विद रिस्पेक्ट ऑफ बेसिस बी डैश, तो आपको जो है केवल कॉफिशियंट देखने हैं यू वन का, यू टू का, यू थ्री का, यू फोर का, यू फाइव का, यू एफ का, यू एम का, यू एम कॉफिशियंट। तो अगर यहां पे आप वैल्यूज रखें आई की, तो इसका मतलब आपको आई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वन रखेंगे तो दिस प्लस यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर, इस तरीके से बन जाएगा। तो जो पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन आपके सामने खुल के आएगा, उसको जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाओगे, कोऑर्डिनेशन उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाओगे, तो क्या बन जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा जिसमें रोज तो होंगी एम, और कॉलम क्या होगा केवल एक, सिंपल सी चीज है। एक बार इसको ना नोट करके देखिए, साथ साथ अप्लाई करके देखिए इस रूल को भाई, जब इसमें आप, मैं यहां करके दिखा देता हूं आपको कि भाई जब इसमें आप अप्लाई करोगे तो किस तरीके से, जब आप वैल्यूज रखोगे आई की, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बी डैश देखना है तो जे को तो छेड़ना ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा जे बराबर वन टू एन अल्फा जे और ए, इस तरीके से वन जे टू जे थ्री जे, इस तरीके से बनता चला जाएगा अब तू कहां तक, MJ तक, कहां तक जाएगा MJ तक, क्योंकि U केवल केवल M तक जाएगा। तो इस तरीके से M cross 1 order की आपको एक matrix मिल जाएगी यहां पर। और अगर इसको ध्यान से देखें M cross 1 order की matrix, इसको नाम देता हूं मैं equation 1। अब आप ध्यान से देखिएगा यहां से भाई, यहां की matrix ही M cross N order की है। अब अगर इससे matrix बनाई जाए with respect to basis B, तो वो matrix क्या बनेगी, वो बनेगी भाई अल्फा
वन टू थ्री फोर कितने एलिमेंट, एन एन एलिमेंट है ना, तो अल्फा वन अल्फा टू एन क्रॉस अल्फा ये जे, ये बन जाएगी आपकी एन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ये बनेगी आपकी एन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स के इंटू करवाएंगे, सिंपल 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 सी चीज है, जब आप इसकी और इसकी इंटू करवाएंगे दोनों मैट्रिक्स की, तो आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा n क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स। हो गया क्लियर कि भाई इसको जब आपने बनाया तो क्या बना, n क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स। नाउ तो ये तो क्लियर है कि जब आप a की इंटू करवाएंगे इससे v विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b, तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको इस तरीके से एक मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसका ऑर्डर j बराबर 1 2 m अल्फा j aij, जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1, क्योंकि यहां हमें दिख ही रहा है भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के इतने तो रूल हमें पता है कि भाई इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर m क्रॉस 1 है, जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, m क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। और इक्वेशन 1 को अगर ध्यान से देखें इसको, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ TB with respect to basis B dash। तो सिंपल सी थ्योरम थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी, हमने केवल अब तक जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट वेक्टर की हो, चाहे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हो, चाहे बेसिस की हो, हमने केवल उन डेफिनेशंस का यूज करा है। और यही लीनियर अलजेब्रा का प्लस पॉइंट है कि आपको अगर लीनियर अलजेब्रा में मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, अगर आपको वो सारी डेफिनेशंस और बेसिक चीजें और थ्योरम्स आपको याद हैं, हमने केवल उनका यूज करना है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वैसे तो मैंने सिंपल केवल मैथमेटिकली प्रूफ करी है, लेकिन आपको इसका मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां कॉन्टेक्ट करके आप उसे ले सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, तब तक के लिए गुड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा किसी मैथमेटिकल स्टूडेंट के साथ।